आज गणेश चतुर्थी है, कोई शुभ काम शुरू होता है, कोई पूजा पाठ हम लोग करते हैं, पहले गणेश जी का वंदना होते हैं। तो आज ऐतिहासिक दिन है और ख़ास करके मैं छोटी सी एक स्टेट से आती हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है जो आज नया संसद में हम लोग प्रवेश करेंगे। और पुराना संसद जो इतना कुछ दिया है देश को, 370 जैसा हम लोग जब थे 370 आया है, 3 तलाक जैसा आया है, और GST और भी उस पर पहले भी आए हैं, बहुत सारे निर्णय इस संसद में आए हैं, देश में देखा है, दुनिया में देखा है। तो हम एक गौरवशाली इतिहास का साक्षी है जो पुराना पार्लियामेंट को भी देखा है और नया पार्लियामेंट के भी आज देखने के जा रहे हैं। ये नया आईडी कार्ड दिखाइए हमको जरा, पुराना है लेकिन रिबन नया है, नया पार्लियामेंट का फोटो है उसमें, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और नए पार्लियामेंट की फोटो है, उसकी तस्वीर है और सब लिखा हुआ है, लोकसभा लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी नए एक नया जर्नी है और नया कुछ, नया उमंग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बोला है नया उत्साह और अपना स्वाभिमान, अपना जो वर्चस्वता है, हमारा भारत भी, हमारे लोकतंत्र का जो इमारत नहीं है और मंदिर को हम भी हमारा हिस्ट्री से, हमारे कृष्टि, हमारे संस्कृति, हमारे धरोहर से लैस हुआ एक पार्लियामेंट हम भी बना सकते हैं, वो नया सदी का भारत का एक प्रतीक है। आप महिला हैं, अब महिला उस इलाके से आती हैं जो बहुत पिछड़ा रहा है, महिलाओं के मुद्दे कितने बड़े और कितने इम्पोर्टेंट हैं इस सरकार के लिए? देखिए, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, महिला पिछड़ा हुआ नहीं था, महिला को पिछड़ कर रखा था। ओनली महिला नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट को पीछे धकेल कर रखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9-10 सालों में नॉर्थ ईस्ट को जो सम्मान दिया है, आज नॉर्थ ईस्ट का धड़कन मोदी जी है और मोदी जी रेडिकली नॉर्थ ईस्ट को चेंज कर दिया। मैं आपके माध्यम से पूरा देश को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जो बदल दिया, साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट था, जो नॉर्थ ईस्ट को पहले इतना डिस्टेंस में था, मोदी जी उसको दिल्ली का करीब लेके आया और वो अभी डेवलपमेंट का एक पार्ट बन गया है और न्यू इंजन बन गया डेवलपमेंट का, मोदी जी ने करके दिखाया। प्राथमिकता सबसे ज़्यादा किसको होगी आपके लिए, अगर मुद्दे उठाने हो, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट भी सोशल जस्टिस, वुमेन एम्पावरमेंट इतना कुछ है? देखिए, मेरे जो विभाग है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीनियर सिटीजन हो, हमारा दिव्यांगजन हो, जो दिव्यांगजन के लिए दिव्यांग जो शब्द है, वार्ड है, उन्होंने पहले दिया है, उस वार्ड से ही, उस शब्द से ही, दिव्यांग शब्द से ही लोगों के अंदर एक स्वाभिमान आते हैं, वो उन्होंने दिया है। और इसी में OBC वेलफेयर हो, मैं भी उसका बड़ा साक्षी हूँ, मैं OBC हूँ और पिछड़ा एक वर्ग से आती हूँ, ऐसा बहुत सारे 27 मंत्री हमें इस बार OBC से है, SC हो, ST हो, सबको संतुलित रख के जो अभी कैबिनेट में है, तो हमारे विभाग में भी SC वेलफेयर देखते हैं, OBC वेलफेयर देखते हैं, सीनियर सिटीजन को देखते हैं। और सबसे और एक चीज़ है जिसमें PM दक्ष कौशल विकास, जिसके अंदर उसी विभाग में है हम, और भी माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं देश के सबसे कमज़ोर वर्गों को कैसे आगे ले जा सकते हैं, उनका वही लक्ष्य है। अच्छा, अगर त्रिपुरा की बात करें तो आपने उस सीट पर जीत हासिल करवाई जिस पर हमेशा मानिक सरकार जीतते थे, बहुत बड़ी चुनौती थी, अब उसमें आगे केंद्र राज्य इन किरदार को कैसे देखते हैं? देखिए, किसी चीज़ में जाके अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए, मजदूरों के लिए, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही PM विश्वकर्मा का उन्होंने शुभारंभ किया है, जो उसमें हम गौरवान्वित थे। मेरे स्टेट के त्रिपुरा के भी एक महिला जो फूल और फल का टुकड़ी बनाते हैं बेम्बू से, उनको भी उन्होंने वहाँ पर सम्मानित किया है। तो इसी हिसाब से त्रिपुरा का जो विषय है, और हम जिस क्षेत्र से आते हैं, महिला होकर सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जांपल मुझसे कोई हो नहीं सकते है, जो महिला का कितना अहमियत है इस गवर्नमेंट में, माननीय प्रधानमंत्री जी शौचालय से लेके, महिला एम्पावरमेंट के लेके, मुद्रा लोन में सबसे महिला है, जनधन अकाउंट में सबसे महिला लोग आगे आए हैं, और महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, और मातृत्व बंधन योजना, जो महिला कोई हमारा स्टेट का भी कोई बच्चा जन्म देगा, कोई माँ, उसके लिए चिंता सरकार करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं,
उसी से दर्शाता है, जो देश का हर एक माँ चाहते हैं, हर एक बहन चाहते हैं मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हर बार हो।